आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स बीए का सेमेस्टर सिक्स। इकोनॉमिक्स बीए सेमेस्टर सिक्स में पेपर 14 पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है मुद्रा एंड बैंकिंग। पेपर 14 में क्या पढ़ना है? मुद्रा एंड बैंकिंग। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है मुद्रा यानी मनी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मनी पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले इसके टॉपिक के बारे में जानेंगे कि मुद्रा में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, फिर उसको एक एक करके आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। सेकेंड में है मुद्रा की परिभाषा यानी डिफिनेशन देना है। फिर थर्ड में पढ़ेंगे मुद्रा की विशेषताएं यानी फ्यूचर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या मुद्रा के क्या क्या गुण हैं, ठीक है। फिर नंबर फोर में पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मनी, यानी मुद्रा के क्या क्या मुख्य कार्य हैं। तो एक एक करके हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे परिचय। तो परिचय में क्या है? तो अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को क्या बोलते हैं? मनी कहते हैं। जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी है वो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है। मानी अंग्रेजी भाषा में जो मनी मुद्रा को मनी कहते हैं वो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है। मोनेटा मोनेटा जो रोम की देवी जूनो का ही दूसरा नाम है। जो मोनेटा शब्द है वो क्या है? रोम की एक देवी थी जूनो, उन्हीं का दूसरा नाम मोनेटा है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो के मंदिर में ही मुद्रा बनाई गई थी, इसीलिए मुद्रा नाम पड़ा। मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि मुद्रा जो है रोम की जो देवी जूनो है उसी के मंदिर में पहली बार बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम मुद्रा पड़ा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसके बाद इसके बारे में जानेंगे, आगे परिभाषा देंगे कौन कौन से शास्त्री क्या क्या परिभाषाएँ दिए हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए परिभाषा यानी डिफिनेशन। इस पर से जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं उसको लिख दिए हैं। तो नंबर वन परिभाषा देखिए, बाकर तथा हटले बिदर्स के अनुसार, यानी एक अर्थशास्त्री हैं बाकर तथा हटले बिदर्स, उनके अनुसार कहा गया है कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। सेकेंड नंबर में प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, एक प्रोफेसर जो कि इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समय और स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और खर्च को चुकाने के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिसे बिना किसी संदेह के या बिना किसी विशेष जाँच को वस्तु या सेवाओं को खरीदने या खर्च करने और खर्च को चुकाने में आसानी से क्या उसे स्वीकार किया जाए, ठीक है। और तीसरा है मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणालियों की विसंगतियों का परिणाम है। चौथा परिभाषा है मुद्रा हुआ है जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान है, यानी सर्वग्राह्यता का मतलब इसे हर जगह स्वीकार किया जाता हो, ठीक है। और पांचवा जो है अपने शब्दों में, हमने कुछ एक परिभाषा बनाया जिसमें अपने शब्दों में लिखा है, उससे आपको बता देता हूँ। तो अपने शब्दों में यह कह सकते हैं कि मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसमें विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं समान रूप से स्वीकार किया जाता है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम होना चाहिए, मूल्य के मापक, ऋण के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं समान रूप से स्वीकार किया जाता है। ये मेरी अपनी परिभाषा है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, हम पढ़ेंगे कि मुद्रा की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। आपको परिभाषा बता दें, चार पाँच परिभाषा दे दें। अब नेक्स्ट आगे जाएंगे कि मुद्रा की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या फीचर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मुद्रा की विशेषताएं आ गई, यानी फ्यूचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो मुद्रा के महत्वपूर्ण गुण या विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार की है, निम्नलिखित प्रकार के होने चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ एक एक टॉपिक करके आपको डिटेल से आगे बताते चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पहचान, यानी मुद्रा की तो क्या है। तो मुद्रा की एक अलग एवं निश्चित पहचान होती है। जो मुद्रा है उसकी क्या होती है? एक अलग एवं निश्चित पहचान होती है जिसके कारण सभी लोग उसे आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद नंबर टू में देखिए कि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होना चाहिए। तो सर्वग्राह्यता का गुण क्या है इसको समझिए। तो मुद्रा में सर्वग्राह्यता या सर्वव्यापकता का गुण पाया जाता है। इसके कारण लोग मुद्रा को बिना किसी संदेह या संकोच के सौदे तथा
ऋणों के भुगतान में स्वीकार कर लेते हैं। यानी मुद्रा में क्या है, एक सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह सभी लोग इसे आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, सभी जगह एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, नंबर टू हो गया। अब नंबर थ्री में देखते हैं बाह्यता, यानी पोर्टेबिलिटी। बाह्यता का मतलब है इसे ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसको समझते हैं। तो मुद्रा की यह भी एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें समय एवं जगह और खर्च भी कम लगता है। यानी कहा जाए तो मुद्रा में यह भी गुण है कि अगर आपको 10,000 रुपये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आसानी से आप पॉकेट में रख के आसानी से ले जा सकते हैं, जिससे क्या होगी आपको समय एवं खर्च दोनों कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम नंबर फोर पर चले हैं, जिसमें विभाज्यता का गुण है, अर्थात विभाज्यता ने डिविजिबिलिटी, यानी उसमें विभाजित करना, तो इसको समझते हैं। तो मुद्रा की विभाज्यता के गुण के कारण विनिमय माध्यम और अधिक आसान हो गए हैं। मुद्रा में जो विभाज्यता का गुण है, इसके कारण क्या हुआ है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम क्या और आसान हो गया है। मुद्रा को आसानी से बिना इसका मूल्य खोए विभाजित किया जा सकता है, मुद्रा को बिना इसका मूल्य खोए आसानी से विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आपके पास 500 रुपये का एक नोट है, ठीक है, यदि आपके पास क्या है 500 रुपये का एक नोट है, ओके, तो अगर आपको ज़रूरत है 100-100 रुपये का आपको ज़रूरत है, तो आप इसको चाहेंगे कि 100-100 रुपये हम इसे डिवाइड कर दें, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो अपने अनुसार इसे 100-100 रुपये में 200 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया में आसानी से विभाजित कर सकते हैं, और साथ में इसका क्या होता है मूल्य भी कम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है पाँचवा नंबर में अक्षमता। अक्षमता का मतलब होता है इसे नष्ट ना होना, यानी मुद्रा में ये भी गुण होना चाहिए कि वो ईजी से नष्ट ना हो, ऐसा ना हो कि तुरंत ही नष्ट हो जाए। जैसे कि अगर मुद्रा सिक्का के रूप में है तो अगर वो पानी में गिर जाए तो भी क्या होती है, वो नष्ट नहीं होती, ये गुण अक्षमता होनी चाहिए उसमें। और छठा नंबर में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का है कि मुद्रा के मूल में स्थिरता रहनी चाहिए, यानी उसमें बार बार चेंज ना हो। तो इसको आसानी समझिए इस तरह से कि मुद्रा की यह भी एक विशेषता है कि इसमें मूल में स्थिरता रहती है। मुद्रा के मूल में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं आता, मूल में स्थिरता के कारण ही मुद्रा विनिमय का एक अच्छा साधन माना जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि साल साल तुरंत तुरंत इसमें चेंज नहीं होता, जिस तरह से किसी वस्तु का मूल्य में तुरंत तुरंत चेंज होता है, उस तरह से मुद्रा के मूल्य में चेंज नहीं होती है, इसीलिए एक विनिमय का एक अच्छा साधन है। उसके बाद बात करते हैं हम एक रूपता का, यानी होमोजेनिटी। एक रूपता का मतलब एक जैसा दिखना, इसको इस तरह समझिए कि मुद्रा में एकरूपता का भी गुण पाया जाता है। एकरूपता का अर्थ है एक समान, अर्थात यदि 100 रुपये का एक नोट या एक सिक्का है तो सभी 100 रुपये के सिक्के या नोट एक समान होंगे, उसका रंग रूप आकार में भी सब क्या होता है एक जैसे दिखते हैं। ऐसा नहीं कि 100 रुपये का एक नोट बड़ा है तो दूसरा छोटा है, एक पिंक है तो दूसरा रेड होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक पिंक है तो सारा पिंक ही होगा, अगर एक साइज में है तो सभी एक साइज में ही होगा। इससे इसमें क्या होता है कि इससे उस नोट को पहचानने में आसानी होती है। अगर आपके पास 10, 50 और सबका नोट मिक्स कर दिया जाए तो सबका साइज एक होने के कारण आप उसमें से 100 रुपये का नोट को क्या करते हैं आसानी से निकाल सकते हैं, छाट लेते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम इसका एक आठवां गुण है, इसमें क्या होती है छपाई का गुण, यानी मिंट होना। यानी देखा जाए तो मुद्रा को क्या करता है किसी भी देश में वहाँ का केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा को वहाँ का केंद्रीय बैंक के अधीन इसे मशीनों के द्वारा छापा जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, जो यहाँ की मुद्रा का यानी यहाँ की जो करेंसी उसको छपाई करने का काम करती है। जिस तरह से इंग्लैंड का जो केंद्रीय बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो वहाँ की मुद्रा को छपाई करता है। यानी किसी भी देश को वहाँ केंद्रीय बैंक को ये अधिकार दिया गया है कि वो नोट की छपाई करे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होने चाहिए। अगर कोई वस्तु मुद्रा है, अगर आप चाहते हैं कोई वस्तु मुद्रा बने तो उसमें एक गुण होना चाहिए ताकि विनिमय करने में आसानी हो। तो आप इसमें 8 गुण हैं जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब इसके अगले टॉपिक के बाद हम बात करेंगे कि इसकी मुद्रा का क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो चलते हैं कार्य पर देखते हैं। अब देखिए मुद्रा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मनी। तो अब हम स्क्रीन पर देखिए कि मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। मुद्रा का जो कार्य है उसको हम 3 भाग में अपनी ईजी अपने अध्ययन में आसानी बनाने के लिए उसे हम क्या करते हैं 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला जो भाग है वो प्राथमिक या मुख्य कार्य, यानी मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा में सहायक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शन, और थर्ड नंबर में आकस्मिक कार्य यानी कॉन्टिनजेंट फंक्शन। तब इन तीनों के अंतर्गत कुछ कुछ कार्य हैं उसके बारे में जानते हैं कि आगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राथमिक कार्य के अंतर्गत क्या कार्य को रखा गया है।
तो यहाँ देखिए प्राथमिक कार्य हम सबको एक एक करके हम बताएं इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य है, फिर इसको हम आपको डिटेल से बताते चलेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक कार्य के अंतर्गत दो कार्य यानी मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत हम दो कार्य को रखते हैं जो कि सबसे ज़रूरी काम है मुद्रा का। तो पहला है विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना, यानी विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है मूल का मापक करना यानी मेजर ऑफ वैल्यू। यानी पहला है कि जो भी हम कोई साधन वस्तु खरीदते हैं तो उसके बीच क्या करता है, ये एक्सचेंज का एक माध्यम बनता है, और दूसरा है मूल का मापन यानी किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा वो मुद्रा में नापते हैं, तो इसका दूसरा कार्य है। तो पहले समझिए कि विनिमय का माध्यम क्या है, किस तरह से इसका पहला कार्य बनता है। तो मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम। इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा के रूप में एक व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है तथा दूसरी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है। कोई व्यक्ति एक क्या करता है, विक्रेता वस्तु को बेचता है और क्रेता खरीदता है, तो दोनों को वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए बीच में क्या पैसे का यूज किया जाता है, यानी मुद्रा का ट्रांसमिशन होता है, यानी बीच में मुद्रा का एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। तो आगे समझिए, तो मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मध्यस्थता का कार्य करता है, यानी बीच की कड़ी का काम करता है। जैसे एक उत्पादक थोक विक्रेता को माल बेचता है और बदले में मुद्रा प्राप्त करता है, अब थोक विक्रेता क्या करेगा, फुटकर विक्रेता व्यापारी को सामान बेचता है और बदले में मुद्रा प्राप्त करता है, तथा फुटकर व्यापारी ग्राहक को सामान बेचेगा और फिर बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा। इस प्रकार समाज के सभी क्रेता विक्रेता उपभोक्ता व्यापारी अर्थात सेवक या मालिकों के बीच मुद्रा एक ऐसी कड़ी है जो प्रत्येक वर्ग को प्रतिफल दिलाने में सहायक होता है। मुद्रा जो है सभी व्यापारी और उपभोक्ता के बीच क्या करता है, मध्यस्थ का काम करता है, दोनों के बीच को जोड़ता है कि व्यापारी सामान देगा और उपभोक्ता क्या करेगा, उसके बदले उसे मुद्रा देगा और सामान खरीदेगा, यानी दोनों के बीच क्या करता है, विनिमय का काम करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय की मुख्य कठिनाइयाँ अर्थात आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो पहले हमारे समाज में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, तो मुद्रा ने क्या किया, उस कठिनाई को समाप्त कर दिया। अब दूसरा जो इसमें हम देख, पहला आपने देख लिया कि विनिमय का साधन, अब दूसरा पढ़ेंगे मूल्य का मापक। यहाँ पर देखिए मूल्य का मापक है जो मेजर ऑफ वैल्यू, तो मुद्रा किस तरह से मूल मापता है उसको समझते हैं। मुद्रा का दूसरा कार्य है समाज में उत्पन्न अथवा प्रस्तुत सब सेवाओं या वस्तु का मूल का मापन करना। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं को हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, या क्या करते हैं, उसका नाप हम लंबाई चौड़ाई में करते हैं, उसका तौल ग्राम लीटर अथवा मीटर में करते हैं, उसी प्रकार सब वस्तु एवं सेवाओं का मूल हम लोग मुद्रा में नापते हैं। जैसे कोई अगर चावल 50 रुपये kg है तो उसका क्या, मुद्रा में उसका मूल को नापे। कोई कपड़ा अगर 200 रुपये मीटर मिल रहा है तो उसको क्या करें, मुद्रा में मापे। तो ये सब क्या है, इसका मूल का मापने का एक काम मुद्रा ही करता है। ठीक है, उसी प्रकार सब वस्तु तथा सेवाओं का मूल का एकमात्र माप क्या है, मुद्रा है। वर्तमान समय में मुद्रा के इस कार्य के बिना विनिमय संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में वर्तमान समय में समुच्ची क्रय विक्रय व्यवस्था का आधार मुद्रा ही है। हम समझ गए कि मुद्रा का क्या दूसरा प्रमुख काम क्या है, मूल का मापन करना। अब इसका सहायक कार्य के बारे में जानते हैं, यानी सेकेंडरी फंक्शन इसका क्या क्या है। ये तो प्राइमरी होगी, अब सेकेंडरी का बात करते हैं। तो इसमें पहला तुम्हारा भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान का मतलब होता है भविष्य में कोई भुगतान करना। जैसे कोई आदमी अगर बैंक से लोन लेता है तो उसको 2 साल 4 साल या 5 साल में क्या करता है, उसको चुकाना है। तो ऐसा नहीं कि पैसा लिया है तो वस्तु आगे जाकर वस्तु देगा, वस्तु नहीं, उसको पैसा मतलब उसको फिर क्या है, मुद्रा में ही उसको चुकाना होगा। अगर आज 1 लाख रुपये लोन लिया है तो ऐसा नहीं कि आने वाले दिन में उसको कोई सामान दे देगा, बोलेगा मेरा 1 लाख हो गया, ऐसा नहीं। वो आने वाले समय में क्या करेगा, वो मुद्रा में ही उसको एक चुकाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें है मूल का संचय करना यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। हर व्यक्ति अपना कुछ अपना आय का कुछ भाग क्या करता है, वो जमा करता है ताकि वो भविष्य में प्रयोग करे। तो मुद्रा जो क्या करता है, स्टोर का एक मुद्रा जो क्या है, किसी व्यक्ति के आय को स्टोर करने का एक अच्छा साधन है। तीसरा इसमें है मूल का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर उसके पास कोई ऐसा संपत्ति है जिसको एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना है तो वह आसानी से ले जा सकता है। इसको डिटेल से थोड़ा थोड़ा ये जानते हैं। तो पहला है भावी भुगतान का आधार जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। आज का सारा आर्थिक ढांचा साख पर आधारित यानी क्रेडिट पर आधारित है, और साख अथवा उधार मुद्रा के रूप में ही दी जाती है, और साथ ही ब्याज एवं ऋणों की राशि मुद्रा के रूप में भुगतान की जाती है। इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि मुद्रा का भावी भुगतान का उचित आधार तभी तक रह सकती है जब तक उसके मूल में समानता स्थिरता रहे। कहने का मतलब है कि कोई भी हम वस्तु का, इसमें कहने का मतलब है कि हम अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो भविष्य में तभी उस लोन को चुकाने के लिए विश्वास रखेगा
जब उसका जो मुद्रा का मूल्य में चेंज ना हो, यानी स्थिरता बनी रहे। ठीक है, अन्य वस्तुओं की तुलना में देखा जाए तो मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थिरता रहती है। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं कि कोई और वस्तु, अगर मुद्रा का कोई और वस्तु है तो उसके अपेक्षा मुद्रा के मूल्य में हमेशा ज़्यादा स्थिरता बनी रहती है, इसलिए भावी भुगतान के लिए एक अच्छा आधार माना जाता है मुद्रा को। अब सेकंड में देखते हैं मूल का संचय। तो मनुष्य भविष्य की आकस्मिक विपत्तियों अथवा सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहता है, परंतु उसे यह निश्चित होना चाहिए कि बचत सुरक्षित है और वह उसका प्रयोग किसी भी समय कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना आय को तभी बचाएगा तब उसको यह विश्वास हो कि उसका बचत सुरक्षित है, या फिर उसका आने वाले समय में जब भी चाहे उसका वो प्रयोग कर सकता है। तो इसके लिए आजकल क्या करते हैं लोग, अपना आय को जितना भी कमाते हैं उसका कुछ भाग बचा के उसे बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि उनको बैंक इस बात का विश्वास दिलाता है कि उनका आय सुरक्षित है, अर्थात उसे जब जरूरत पड़ेगा तब वो उससे जितना पैसा चाहिए उसे वो दे देंगे, इसलिए सब लोग आजकल बैंक में जमा करते हैं पैसा। ठीक है, मुद्रा न केवल इन शर्तों को पूरा करता है बल्कि वह तरलता से थोड़े ही स्थान पर जमा कर ली जा सकती है एवं उसके रख रखाव पर ज़्यादा खर्च भी करना नहीं पड़ता है। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि मुद्रा एक महत्वपूर्ण सहायक कार्य मूल का संचय करना, इन सब बातों से यह पता चलता है कि मुद्रा का एक महत्वपूर्ण क्या कार्य है, मूल का संचय भी करना है। और उसके बाद तीसरा नंबर में है, थर्ड नंबर में देखते हैं मूल का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर और वैल्यू। इस बात को समझिए कि मुद्रा विनिमय माध्यम का कार्य करती है, यानी विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इस मुख्य कार्य के कारण ही मुद्रा मूल हस्तांतरण के सर्वोत्तम साधन मानी जाती है। उदाहरण के लिए इस प्रकार से उदाहरण समझिए कि यदि कोई व्यक्ति जयपुर छोड़कर आगरा बसना चाहता है, ठीक है, तो वह जयपुर स्थित मकान, जमीन तथा अन्य सारी संपत्ति बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगा और आगरा में नई संपत्ति खरीदेगा। उसी मुद्रा से क्या करेगा, वो आगरा में नई संपत्ति खरीद लेगा, जो अन्य कोई वस्तु के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर कहीं और अगर बसना चाहता है तो जरूरी कि अपना पुराने घर के सारे सामान को बेचेगा और मुद्रा में उससे बदले पैसा प्राप्त होगा और फिर नए जगह जाकर उस पैसे से अपना जरूरत के सारे सामान खरीद लेगा। इस जो मुद्रा अगर नहीं होता तो फिर ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब जानते हैं आकस्मिक कार्य, कॉन्टिजेंट फंक्शन। अब इसमें देखेंगे कि आकस्मिक कार्य क्या क्या है। तो आकस्मिक कार्य में है, पहला है आय का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी यानी आय का वितरण। तीसरा है पूंजी का उत्पादकता बढ़ाना और चौथा है बेसिस ऑफ क्रेडिट यानी साख का आधार। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि साख यानी क्रेडिट का जो आधार है क्या है, मुद्रा है। मुद्रा के बिना क्रेडिट का थोड़ा मुश्किल होगी। फिर संपत्ति की तरलता यानी लिक्विडिटी ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि अभी आपको बताएं कि अगर कोई वस्तु संपत्ति अगर अपना बेचकर उससे मुद्रा के रूप में आसानी से रख सकता है यानी तरलता कर सकता है, तरल के रूप में। तरल का मतलब होता है कि अपनी संपत्ति को बेचकर उसे मुद्रा के रूप में रखना ताकि जब जरूरत पड़े तो उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा, इस तरह से हमने मनी में क्या क्या पढ़ा। तो पहला हमने पढ़ा कि मुद्रा की परिचय, मुद्रा का आपको परिचय बताया कि मुद्रा जो तो है आपको मुद्रा जो है अंग्रेजी भाषा में उसे मनी कहते हैं और मनी जो है तुम्हारा लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मोनेटा। मोनेटा जो कि जून की एक देवी, जो कि रोम की एक देवी जूनो थी, उसी के नाम पर रखा गया है। इसीलिए हम आजकल क्या बोलते हैं उसको, मनी बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। फिर हम मुद्रा की परिभाषा जाने जिसके अंतर्गत हमने बाकर तथा हार्टलेक विदेश के अनुसार जाना, उन्हें कहा कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे। फिर इसके बाद फिर हमने यह पढ़ा कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाएँ पढ़े। फिर इसके बाद हमने अपना परिभाषा आपको बताया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मुद्रा का क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मुद्रा के निम्नलिखित गुण, उससे आपको 8-9 गुण बताए हैं जिसको आपको याद रखनी होगी, जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण है, बाह्यता का गुण है, आपको विभाज्यता का गुण है, अक्षमता का गुण है यानी स्थिरता, यानी इसके मूल में स्थिरता होनी चाहिए। और उसके बाद हम मुद्रा के कार्य के बारे में बताएं, जिसको आपको बताया कि प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य में बताया, जिसके अंतर्गत कुछ कुछ कार्य को रखा गया है। इसे आप सब डिवाइड आराम से आप कॉपी में लिख भी सकते हैं और उसके बाद इसे अपने मन से इसमें आपको लिखना होगा और इसको आप बुक से थोड़ा अच्छे से इसे लिखिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सब के बारे में जानकारी आराम से पता हो सके। और इसके बाद हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे कि RBI यानी भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, जो कि आपको नेक्स्ट ही 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको बताएंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक RBI जो किस प्रकार से काम करती है
उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके क्या क्या उपलब्धियाँ, उसकी स्थापना कैसे हुआ, इस सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।